सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। नाइन्थ क्लास के सोलिड ज्योमेट्री के सिलेबस में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8। एक समबाहु त्रिभुज घन क्षेत्र का सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि त्रिभुज की एक भुजा एक्स वाई के बाईं ओर 45 डिग्री का कोण बनाती खड़ी है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर तथा घन क्षेत्र की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक रेखा लेनी है एक्स वाई। हम एक एक्स वाई रेखा ले लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। ये हमारा है एक्स वाई है और हमने क्या करना है, इसमें क्या बाईं ओर को 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो 45 डिग्री का कोण हमने क्या लेना है यहाँ से, ये हमारा सेक्स स्क्वायर है, इसमें ये कोण हमारा 90 डिग्री का, ये 45 का, ये भी 45 का। तो आप यहाँ से कोई सा भी कोण ले सकते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से सेट स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ से हम रेखा खींच देंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। इस रेखा को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ क्योंकि इसका नोक जो होती है वो सही नहीं होती है, इसलिए मैंने हल्की सी रेखा ली है। आप डी से भी ले सकते हैं, प्रोटेक्टर हमारे पास होता है, इससे भी आप 45 का कोण बना सकते हैं। इससे मैं जल्दी से बना लेता हूँ 45 का कोण, इसलिए मैंने इसी को ही यूज़ किया है। आप भी चाहो तो दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, मैंने आपको जैसे बताया था ना कि यहाँ से हमने लगभग 1 सेंटीमीटर यहाँ से छोड़ देना है। तो ये इतना हम यहाँ से छोड़ देते हैं और ये जो हमारी लाइन आती है जो हम छोड़ देते हैं, ये लाइन हमारी होती है डॉटेड। तो हम इसको डॉटेड लगा लेते हैं अब यहाँ से इस तरह से, पहचान रहती है इसकी। अब हमने क्या करना है, इसमें एक समबाहु त्रिभुज बनानी है। तो समबाहु त्रिभुज यदि हम बना रहे, समबाहु त्रिभुज का जो आंतरिक कोण होता है वो होता है 60 डिग्री का। तो हमने क्या करना है, यहाँ से ये हमारा कोण 60 डिग्री का है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से हमने 60 डिग्री का एक कोण बनाना है यहाँ से। तो ये हमारा जो एंगल है ये 60 डिग्री का, इससे हम लाइन लगा देंगे और इसकी जो भुजा है, लंबाई है मतलब त्रिभुज की, वो 3 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर पे काट देना है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं। और ये जो आपकी आधार रेखा होगी ये भी हमारी 3 सेंटीमीटर होगी, ये भी हम 3 सेंटीमीटर काट देते हैं यहाँ से इस तरह से। ये 3 सेंटीमीटर आ गया है यहाँ पे। आप चाहो तो इसको हम सीधा भी मिला सकते हैं यहाँ से इस तरह से। यदि आप चाहो नापना चाहते हैं तो आप नाप भी सकते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल सही आ रहा है एंगल, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। जो हमारे फालतू लाइनें हैं इनको हम मिटा देते हैं यहाँ इस तरह से और हम इसके पॉइंट के नाम दे देते हैं। ये हमारा है ए, ये हमारा है बी, ये हमारा है सी। अब हमने क्या करना है, यहाँ से पहले हमने एक्स वाई जो हमारी रेखा इस तक हमने सीधी प्रोजेक्शन खींचने हैं यहाँ से इस तरह से, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये हमने एक्स वाई तक पहले रेखा लेनी है इस तरह से यहाँ से। और अब हम लेंगे ए का प्रोजेक्शन लेंगे यहाँ से इस तरह से, हम लेंगे सी का प्रोजेक्शन लेंगे यहाँ से इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब ये जो हमारी प्रोजेक्शन आ रहा है ये हमारा है बी, ये प्रोजेक्शन हमारा है ए, ये प्रोजेक्शन हमारा है सी और ये तीनों प्रोजेक्शन हमारे यति के साथ है। अब ये जो त्रिभुज है ये तो इसका तल है, ऊपर हमें कैसे दिखेगी ये और ये कितनी हाइट इसकी है 5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ से 90 डिग्री पे सर्च के रखना है सीधी लाइन के लिए इस तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से हमने ये आपका 5 सेंटीमीटर है, इतनी हमने यहाँ से सीधी रेखा खींचनी इस तरह से। अब हमने ए पॉइंट से भी इसी तरह से, ये आप देख सकते हैं, और ये जो हमारी रेखा ये डॉटेड आएगी क्योंकि ये जो हमारा कोण है, ये जो हमारा पॉइंट है, ये कोण है, ये भुजा है, ये हमारी इन दो भुजाओं के पीछे दब गई है, इसलिए ये हम डॉटेड लगाएंगे। अब हमारा है सी पॉइंट, हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से
सी का भी हमने प्रोजेक्शन लेना है और ये हमारी रेखा जो है वो डार्क आएगी इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। तो हमने इसको ऊपर से मिला देना है इस तरह से, और ये जो हमारी त्रिभुज है जो समबाहु त्रिभुज घनक्षेत्र है ये हमारा बन के तैयार हो गया है। ये हमारा है बी यति के साथ है, ये ए यति के साथ है, और ये हमारा सी यति के साथ है। इस तरह से ये हमारा जो है ये हमारा एंगल है 45 डिग्री का, ये हमारा प्रश्न भी बन के तैयार हो गया। ये प्रश्न नंबर है 8।